सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेकटॉक्स के ग्रुप एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं आपको एक बहुत ही कमाल की गुड न्यूज कि आज मुझे मिला एक पार्सल जहां पे मेरे लिए कुछ है साथ में आपके लिए भी कुछ है। उसकी दोस्तों अनबॉक्सिंग वीडियो आने वाली है कल मेरे दूसरे चैनल पे, तो आप गेस करो अभी दोस्तों क्या हो सकता है उस पार्सल में जहां पे मेरे पास भी है वो चीज और वो आपको भी मिलने वाली है। तो सबसे पहले अपडेट है वो निकल के आ रहा है वोडाफोन की तरफ से, जहां पे भैया वोडाफोन जो है वो 4G वोल्टी सर्विस अपनी स्टार्ट करने वाला है गुजरात। उसके बाद दोस्तों यहां पे जाएगा मुंबई में, दिल्ली में, कर्नाटक में, कोलकाता में, पूरे देश भर में। तो मतलब आप ये मान लो दोस्तों कि जियो जो है वो तो फिलहाल काम करता है वोल्टी पे, एयरटेल जो है वो भी दोस्तों जगह जगह पे शुरुआत कर चुका है, वोडाफोन भी आ गया है लाइन पे, BSNL भी आने वाला है। तो आगे चल के आपको चाहिएगा शायद ड्यूअल सिम ड्यूअल वोल्टी वाला फोन जहां पे अगर दो सिम है तो दोनों ही वोल्टी पे काम कर पाए। दोस्तों अगला अपडेट है वो निकल के आता है यहां पे Sharp Aquos S3 के कुछ लीक्स को लेके। यहां पर दोस्तों कुछ लीक्स सामने आए हैं फोन कैसा होगा आगे से, साइड से, पीछे से वगैरह वगैरह। इसी बात पे आपको बता दूं कि जो Sharp Aquos S2 का गिव अवे कॉन्टेस्ट था उसका रिजल्ट दोस्तों आने वाला है कल शाम के लाइव स्ट्रीम में। अगर आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो जाके पार्टिसिपेट कर लो, कल शाम को लाइव भगवान करे यूट्यूब चल जाए, उसके बाद में लाइव में ही रिजल्ट निकाल देंगे इस फोन के गिव अवे कॉन्टेस्ट का। दोस्तों अगला अपडेट है वो निकल के आता है यहां पे Xiaomi की तरफ से और लॉन्च कर दिया है यहां पे एक और दोस्तों प्रोडक्ट जो प्राइस है वो है 59 yuan और ये है दोस्तों एक इंक डिस्प्ले बेस्ड डिजिटल थर्मामीटर। उसके साथ में बताता है कि क्या है यहाँ पे ह्यूमिडिटी का लेवल। तो ये आप बस छोटी दोस्तों घड़ी जैसी है, इसको बस दीवार पे लगा लो और ये आपको बताता रहेगा कि भैया टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है। और जो प्राइस है वो बहुत ही कम है, मतलब सिर्फ 550 रुपए, लेकिन क्या करें इंडिया में मिलता नहीं है। तो सर अगला अपडेट है वो निकल के आता है यहाँ पे ZTE की तरफ से और यहाँ पे भैया ZTE ये बोलता है कि आपको और फ्यूचर में बहुत ही जल्दी और बहुत सारे फोल्डिंग स्मार्टफोन्स मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ZTE का जो फोन है इसमें दो अलग अलग डिस्प्लेज है, मतलब वो नहीं है कि आपका सिंगल डिस्प्ले इसको आप मोड़ लो खींच लो वगैरह वगैरह। तो देखते हैं कि यहाँ पे ZTE कैसे फोन्स निकालता है। सैमसंग का जो फोन है वो सैमसंग बोलता है आएगा नहीं अभी, उसके बाद उसमें अभी एप्पल तो छोड़ दो लेकर क्या बात करनी है। लेकिन देखते हैं कि आगे चल के हमको फोल्डिंग फोन्स किस तरीके से देखने को मिलते हैं। वो टाइम था जब वो फ्लिप फोन्स बहुत चलते थे, तो ऐसे में क्या पता वो जमाना वापस आ जाए हमारे सामने। तो सर अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे Huawei की तरफ से और यहाँ पे दोस्तों Huawei ने पेटेंट कर लिया है अपने स्मार्ट वॉच के डिजाइन को कुछ ऐसा कि यहाँ पे दोस्तों जो साइड में सरफेस है वो आपके लिए एक इनपुट सरफेस बन जाएगा। यहाँ पे आप कुछ जेस्चर्स में दोस्तों कर पाएंगे इनपुट और यहाँ पे जो आपका स्ट्रैप रहेगा उस पर भी आप इनपुट दे पाएंगे अपने टच की मदद से। तो यहाँ पे देखते हैं कि Huawei की कौन सी स्मार्ट वॉच होगी जहाँ पे दोस्तों मिलते हैं ऐसे कुछ फीचर्स और एप्पल वॉच गोल वाली मतलब गोल डायल वाली इस साल आ जाएगी या नहीं। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे गुड न्यूज जो यूज करते हैं एयरटेल का इन्फिनिटी वाला दोस्तों प्लान पोस्टपेड यूजर्स जो हैं, क्योंकि वो अभी दोस्तों यूज कर पाएंगे एक साल का फ्री अमेजॉन प्राइम वीडियो जिसकी नॉर्मल दोस्तों कॉस्ट है वो है फिलहाल के लिए 999 रुपीज जो आपको मिलता है अमेजॉन प्राइम के साथ में। लेकिन यहाँ पे आपको फ्री मिल जाएगा अगर आप जाके कुछ ऑप्शन ढूंढ लेते हैं एयरटेल की टीवी ऐप में। और ऐसे में आप दोस्तों भी ऑनलाइन कौन सी वीडियो सर्विस काम में लेते हो, वो हॉटस्टार है, वो नेटफ्लिक्स है, वो Amazon Prime Video है, मुझे बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। दूसरा अगला अपडेट है वो निकल के आता है यहां पे बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ जो कि दोस्तों यहां पे आती है Google की तरफ से, जहां पे दोस्तों Play Store में करीब 60 के आसपास ऐसे गेम्स थे जो एक ऐसे मैलवेयर से इंफेक्टेड थे दोस्तों, जहां पे जो बच्चे अगर कोई गेम वगैरह भी खेल रहे हैं तो उनको सामने आते थे एड्स और दोस्तों वो होते थे पोर्नोग्राफिक एड्स, जहां पे वो अगर उस पर क्लिक वगैरह करते हैं तो उसके बाद दोस्तों मैलवेयर वगैरह जो इंस्टॉल हो जाते हैं सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर के नाम पे। तो यहां पे दोस्तों मैलवेयर का नाम था अडल्ट स्वाइन, तो Google ने उन सभी 60 गेम्स को निकाल दिया है क्योंकि यहां पे कई बार हम देखते हैं कि गेम तो बहुत ही अच्छा होता है अचानक से टेढ़े-मेढ़े बहुत सारे अजीब से ऐड आते हैं। तो यहां पे दोस्तों कुछ ऐसे ही ऐड थे पोर्नोग्राफिक बेस्ड जिनको अभी निकाल दिया है गूगल ने, अभी वो गेम्स नहीं है प्ले स्टोर पे। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहां पे इंडिया में GoPro के लाइनअप को लेकर, जहां पे दोस्तों प्राइस जो है वो कम कर दी गई है GoPro Hero 6, Hero 5 और Hero 5 सेशन की। जहां पे दोस्तों अभी अगर आप चाहते हैं लेना GoPro का Hero 6 ब्लैक एडिशन तो वो आपको मिल जाएगा 8,000 रुपए के डिस्काउंट पर, यहां पे दोस्तों प्राइस है वो है सिर्फ 37,000 रुपीज। अगर आपको चाहिए एक नया कैमरा तो आप दोस्तों ऐसे में डिस्काउंट का मजा उठा सकते हैं। GoPro के दिन वैसे कोई इतने अच्छे खास चल नहीं रहे हैं, ड्रोन दोस्तों यूनिट है वो हो गई है बंद और ऐसे में कंपनी थोड़ी बहुत डामाडोल हो रही है और शायद इसीलिए भी ये डिस्काउंट सामने आ रहे हैं। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे Samsung Galaxy S9 की कुछ फोटोज को लेकर, जहां पर हमको दोस्तों देखने को मिलते हैं कुछ बहुत ही कमाल कलर ऑप्शंस और ये तो कंफर्म हो गया कि S9 में होगा सिंगल कैमरा, S9 प्लस में होगा ड्यूअल कैमरा। देखते हैं कि बस ये फोन दोस्तों कब आता है मार्केट में। और यहाँ पे जो लीक्स बोलते हैं कि भैया यहाँ पे वेरिएबल
वेरिएबल एपर्चर होगा, सुपर स्लो मोशन वीडियो का सपोर्ट होगा, तो वो दोस्तों देखते हैं कि क्या ये जो S9 या S9 Plus है वो मेरे Google Pixel को रिप्लेस कर पाएगा या नहीं। दूसरा जो अपडेट है वो निकल के आता है Amazon की तरफ से, जहां पे हमको मालूम ये चलता है कि भैया Amazon जो है वो भी अभी आने वाला है बहुत ही जल्दी AR और VR की दुनिया में दोस्तों कदम बढ़ा के आगे, बिकॉज हमने देखा है CES में कि यहां पे AR और दोस्तों VR जो है वो भैया सभी जगह पे आ चुके हैं सामने। सभी कंपनीज कोशिश करते हैं कि कैसे हम इसको अपना हिस्सा बना लें। हालांकि एप्पल बोलता है कि भैया ये जो काम है वो हो पाएगा 2019 तक हमारे आईफोन में, लेकिन Amazon दोस्तों कोशिश कर रहा है, फेसबुक भी कोशिश कर रहा है, तो मतलब ऐसे में आप बस AR VR दोस्तों कुछ पहन ले अगर अपने ग्लासेस तो शायद आप ये जो सर्विसेज होती है इनकी वो आप यूज कर पाएंगे। तो ऐसे में देखते हैं कि Amazon किस तरीके से AR या फिर VR को इंप्लीमेंट करता है, कि ऐसा ना हो कि आपको अगर कुछ फर्नीचर चाहिए Amazon से वो शॉपिंग करनी है वो आप AR की मदद से देख लो या फिर आप कुछ मूवीज देख लो वगैरह वगैरह। दूसरा अगला अपडेट है वो निकल के आता है यहां पे C-DAC और BSNL की तरफ से, जहां पे दोस्तों C-DAC और BSNL जो है वो भी हाथ मिला चुके हैं और यहां पे दोस्तों डेवलप करने वाले हैं नेटवर्क बेस्ड सॉल्यूशंस कि कैसे दोस्तों स्मार्ट सिटीज में हम काम में लें इन सब चीजों को हमारे फायदे के लिए। जहां पर बहुत सारे जो काम है वो अगर हम चाहें कि वो ऑटोमेटिक हो जाए, चाहे दोस्तों वाटर मैनेजमेंट की बात हो चाहे वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो, तो यहां पे शायद दोस्तों होगा BSNL के नेटवर्क की बैकबोन, C-DAC का दोस्तों होगा यहां पे कुछ एडवांस सिस्टम्स का दिमाग, और उसके बाद में शायद हम इंडिया में स्मार्ट सिटीज को और बेहतर तरीके से डेवलप कर पाएंगे। बस दोस्तों यही थे सारे आज के अपडेट्स। दिन है शनिवार का, क्या करें न्यूज कुछ आती नहीं है, लेकिन जो भी थे उनको बता दी है। फिलहाल वीडियो में इतना ही, देख लें आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को तो लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आप रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।